हेलो गाइस, राम राम। मलिक फैमिली ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से हैं, उम्मीद है आप सब लोग भी बहुत अच्छे से होंगे और मलिक फैमिली ब्लॉग्स का आनंद ले रहे होंगे। आपका दिन के बज चुके हैं 9:15, 20 मिनट हो गए। आज 5 मिनट लेट हो गया हूँ मैं, और मैं नाश्ते की टेबल पर बैठा हुआ हूँ और ऑफिस के लिए रेडी हूँ बिल्कुल। और आज नाश्ते में है स्पेशल दलिया, और ये दलिया गुड़ का दलिया है ये, और अक्सर इसको भी हम लोग नाश्ते में खाते रहते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह खाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। और आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग भी बताइएगा, आप लोग भी नाश्ते में खाते हैं नहीं खाते हैं? और ये बढ़िया है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं इस नाश्ते को और निकलते हैं फिर ऑफिस के लिए। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आज मुझे गुड़गांव जाना है सेकंड हाफ में, और 3 बजे का मेरा वहाँ पे मीटिंग है। तो हम लोग यहाँ से ऑफिस से 1 बजे निकलेंगे आज। यहाँ से हमारे सीनियर्स भी जाएंगे आज साथ में, तो 1 बजे हम लोग निकल जाएंगे। 3 बजे हमारी मीटिंग है, पता नहीं कितने बजे तक कंप्लीट होगी, कितने बजे तक घर आएंगे कुछ आइडिया नहीं है। तो अभी नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आपकी सुबह विकास से हो गई थी, मेरी मुलाकात हो रही है आपसे। आप बज चुके हैं दोपहर का 1, और मैं कर रही हूँ खाने की प्रिपरेशन, क्योंकि आज जशांज की छुट्टी है। वैसे 3 दिन छुट्टियां हैं उसकी, क्योंकि यहाँ पे नगर निगम के इलेक्शन है। तो खाने में क्या बन रहा है? इसमें बन रही है दाल, इसमें बॉयल हो रहे हैं आलू, ये हमने चावल भिगो दिए हैं। तो मैं बना रही हूँ अरहर की दाल चावल और आलू की सूखी सब्जी और रोटी और दही, दही या रायता जो वो पसंद करेगा, क्योंकि वैसे तो बच्चे स्कूल जाते हैं, टिफिन वही ठंडा हो जाता है, उसके बाद फिर घर आते हैं 4 बजे, 4 बजे क्या ही खा लेते हैं बेचारे, थोड़ा बहुत खाते हैं। तो आज उसकी छुट्टी है, वो भी अच्छे से खाना खाएगा, मुझे भी उसकी कंपनी मिलेगी। तो अभी खाना बनाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद खाना खा के एंजॉय करेंगे। तो जी, बज गए हैं 1:45 और खाना बनाने में लग गए पूरे 45 मिनट। तो खाना बन चुका है और चलिए आपको भी दिखाते हैं आज हमने खाने में क्या बनाया। ये है सैलेड, ये है राइस, जीरा आलू, और दाल। ये है आज का खाना। जब हम खाना खाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे, और आइए आप सब भी इनवाइट है हमारे साथ लंच करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे गुड़गांव जाना है, मीटिंग थी मेरी एक यहाँ पे, तो मैं उस मीटिंग के लिए पहुँच चुका हूँ। ये गुड़गांव का सेक्टर मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है गुड़गांव के बारे में ज़्यादा कुछ। तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। मेरे जो सीनियर्स थे और मेरा एक कलीग है, हम लोग पहुँच गए हैं ऊपर। वो लोग कुछ लोग पहुँच गए हैं, कुछ लोग पहुँचने वाले हैं। तो मैं बस पहुँचता हूँ और जल्दी से मीटिंग ख़त्म करके उसके बाद फिर मैं दोबारा से मिलता हूँ। मैं ऑफिस से निकला था लगभग कोई 1 बजे के आसपास, और 1 बजे निकलने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और 2:45 कर रहा हूँ। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, ट्रैफिक भी था और डिस्टेंस भी है ही। चलिए मिलता हूँ फिर मीटिंग के बाद। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि मैं यहाँ मीटिंग के लिए आया हुआ था और मेरी मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, और मीटिंग पॉजिटिव रही और सब लोग साथ में थे, और मीटिंग में लगभग 2 घंटे का समय लग गया। और मैं जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ, और सब लोग आगे निकल गए हैं। जैसे कि मैं आज मौसम में काफ़ी गर्मी है, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है आज। तो भाई आज समझ में नहीं आ रहा है, आज तो रास्ते में भी जब मैं आ रहा था तो हम 1 मिनट के लिए रुके थे, तो देखा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम लोग कार से फिर बाहर निकले ही नहीं।
इतनी ज़्यादा गर्मी है, धूप में बहुत ज़्यादा तेज़ी हो रही है। और बाकी मैं पार्किंग में पहुंच गया हूं और अब यहां से निकलने की तैयारी है। और टाइम हो गया है 5 बजने वाले हैं और मुझे यहां से अब मैं सीधा घर ही निकलूँगा। अब तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि सब लोग घर के लिए निकल रहे हैं, तो मैं भी घर ही निकल जाऊंगा। बाकी परसों को हो सकता है दोबारा से फिर मीटिंग में आना पड़े यहाँ पर, बाकी देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। वो मेल आ जाएगी हमारे पास, मेल पे कंफर्म हो जाएगा कि ये मीटिंग है या नहीं है और है तो कहाँ है। तो कुल मिलाकर मीटिंग अच्छी रही। अभी जिनसे मीटिंग थी वो हमारे एक्चुअली क्लाइंट नहीं है, और जो मेन मीटिंग होगी हमारी अब नेक्स्ट वो हमारे क्लाइंट होंगे, तो उसमें देखते हैं वो मीटिंग कैसी रहती है। और होपफुली अच्छी रहेगी वैसे तो, क्योंकि इससे हमारा डीलिंग काफ़ी पुरानी है और सब ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। फिर रास्ते में कहीं रुकना होता है तो मैं आपको गुड़गांव दिखाता हूँ कैसे हालचाल है गुड़गांव के। You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk into my heart if you want to. You can ask me. हम निकल गए ऑफिस से बाहर, गुड़गांव से बाहर दिल्ली रोड पे मैं पहुंच चुका हूं। और आपको एक चीज़ खास चीज़ यहाँ की दिखाना चाहता हूं, क्योंकि गुड़गांव आए और वो चीज़ नहीं देखी तो मतलब यूँ समझ लीजिए कि आपने फिर कुछ नहीं देखा, मतलब आपने कुछ नहीं देखा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखो जी भाई साहब, वहाँ तक है ये पूरा कैप्चर हो नहीं पा रहा है, ये देखिए और ये अभी टाइम जो हुआ है सिर्फ 5:30 बजे का हुआ है। अब ये देखिए शाम को 6 बजे के बाद इस रास्ते पे क्या हाल होता होगा। अच्छा हुआ मेरा ऑफिस यहाँ पे नहीं है,
बड़ा मुश्किल है भाई यहाँ पे तो आना, लेकिन क्या करें, कभी कभी जैसे मुझे आना होता है तो ठीक है चल जाता है, लेकिन जिन लोगों के लिए डेली का आना जाना है उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की, जो कि इस जाम में से होकर के गुजरेगी। घुसते हैं जाम में, अभी पता नहीं अब कितना टाइम लगने वाला है, ये अंदर घुसने के बाद ही पता चलेगा। ये चक्रव्यूह है जहाँ पे हम घुसने वाले हैं, घुसना आता है बस, निकलेंगे इसी की मर्जी से। चलिए ठीक है निकलते हैं फिर। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली और मैं हूँ अभी नौरोजी नगर, ये पड़ता है अपना एम्स के आगे, और ये जगह और सफदरजंग एनक्लेव के पास दोनों के बीच में है ये जगह। क्योंकि आज मैंने खाना नहीं खाया था तो मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ खा लेते हैं, तो मैंने यहाँ से लिया है एक ब्रेड पकौड़ा, मैंने लिया एक ब्रेड पकौड़ा और चटनी और लस्सी। क्योंकि भूख लग रही थी और अभी खाने का अभी टाइम है तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए, तो एज इवनिंग स्नैक्स मैंने ब्रेड पकौड़ा और ये लस्सी ली है। हालांकि ये पता नहीं अब रात को खाना खाया जाएगा भी नहीं खाया जाएगा, लेकिन फिर भी देखते क्योंकि भूख लग रही थी इसलिए ले लिया। चलिए खाते हैं। तो दोस्तों मैं अभी भी गाज़ियाबाद नहीं पहुंचा हूं, अभी मैं निकल रहा हूं दिल्ली से ही। दिल्ली में जाते हुए रास्ते में ट्रैफिक आज बहुत कम है वैसे, और दिन की अगर बात करें तो आज ट्रैफिक कम है, और वैसे अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 6:15 के करीब का टाइम हो रहा होगा, और हालांकि अब आगे ट्रैफिक बढ़ता रहेगा। ये भी ट्रैफिक का टाइम है वैसे क्योंकि 6 बजे और ज़्यादातर ऑफिस की छुट्टियाँ हो जाती हैं तो सारा रोड ब्लॉक हो जाती हैं, और अभी फ़िलहाल ट्रैफिक कम था तो मैं आ रहा था इधर से घूमता घामता, तो मैंने देखा कि मुझे दिखाई दिया, पहले तो दिखाई दिया हुमायूं का मकबरा, और उसके बाद फिर मुझे दिखाई दिया ये सनसेट दिख रहा है। हाँ तो मैंने सोचा एक बार आपको भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब लोग रुकने का स्पेस है, हो सकता है मुझे लगे शायद सनसेट पॉइंट होता हो हमारे दिल्ली में भी। ये देखिए सनसेट हो रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा वैसे नहीं। और आपको दिखाता हूँ ये है हुमायूं का मकबरा, ये हज़रत निज़ामुद्दीन एरिया में आता है। तो मैं जा रहा था इधर की तरफ से तो मैंने सोचा आपको भी दिखाता हूँ ये ऐतिहासिक धरोहर हिंदुस्तान की। बाकी अभी पहुँचने में मुझे टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैफिक का टाइम हो ही गया है, अभी ज़्यादा एरिया नहीं बचा है जहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा मुझे। मुझे हार्डली हज़रत सॉरी ये सराय काले खां के वहाँ तक ही मुझे ट्रैफिक मिलेगा, उसके आगे फिर मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो मतलब समझ लीजिए 4-5 किलोमीटर की एक बेल्ट है जहाँ पे मुझे ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, तो स्लो मूविंग रहूँगा, जाम नहीं होगा मूविंग रहेगा थोड़ा कम रहेगा। चलिए पहुँचते हैं थोड़ी देर में घर, अभी फिर भी मुझे 1 घंटा कम से कम लगेगा घर पहुँचने में, 7-7:30 बजे तक के लगभग मैं घर पहुँच पाऊँगा। चलिए ठीक है मिलते हैं फिर आपसे अभी। वैसे कुछ यहाँ पे भी कुछ मकबरा टाइप ही है ये, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये क्या है इसलिए मैं नाम नहीं जानता इसका, अगर किसी को पहचान पड़ रही हो तो भैया लिख करके भेजना कमेंट सेक्शन में, हमें पता चल जाएगा क्या है ये, नहीं तो अगली बार पूरी रिसर्च के साथ आएंगे फिर बताएंगे आपको है क्या चीज़। दोस्तों ये है अक्षरधाम मंदिर, ये भी दिल्ली में ही स्थित है। वैसे बेसिकली ये है तो अहमदाबाद से,
लेकिन दिल्ली में भी इसको बनाया गया है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे इसके मंदिर पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। और खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है अंदर से, और कभी जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे इसकी खूबसूरती। बहुत ही सुंदर और आलीशान मंदिर है ये, इसको अक्षरधाम मंदिर कहते हैं। तो मैं पहुंच गया हूं दिल्ली यूपी बॉर्डर पे, अब मैं यूपी में प्रवेश करने वाला हूं, और यहां से घर रह जाता है मेरा लगभग 14 किलोमीटर, और तो 20 मिनट का रास्ता है मेरा वो। और घर पहुंचने से पहले मैं आपको दिल्ली की एक बहुत खास चीज़, बहुत विशेष चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, और आप भी देख करके मानेंगे कि हाँ भाई इसके बिना दिल्ली अधूरी है। और वो है ये पहाड़। दिल्ली में पहाड़ है भाई साहब, क्या सोच रहे हो? देखो दिल्ली का पहाड़, ये दिल्ली बॉर्डर पे स्थित है, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे, और इसको कहते हैं हम कूड़े का ढेर। अब तो पहचान ही गए होंगे है क्या चीज़ है। दिल्ली में आकर अगर किसी ने ये नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा है। चलिए ठीक है, निकलते हैं घर के लिए, पहुँचते हैं। तो मैं आ गया हूँ घर वापस, अल्टीमेटली फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ, सारे जाम से जूझ के गाज़ियाबाद और यूपी, हरियाणा, दिल्ली, तीन स्टेट को पार करके मैं पहुँचा हूँ, और फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ। टाइम है 8:15, यानी कि मैं वहाँ से चला था 5:15 पे, और 8:15 पे मैं पहुँचा हूँ, यानी कि पूरे 3 घंटे में। अब आप किलोमीटर वाइज अगर मैं बात करूँ तो लगभग पड़ता था वो 48 किलोमीटर्स। तो इतना जाम था, मैंने आपको दिखाया भी था तो, लेकिन बाइक से अगर गाड़ी से होते तो पहुँचते 10 बजे। कार से तो बहुत मुश्किल है, आधे रास्ते में कार से गया था मैं, बाइक पर पार्क कर दी थी मेट्रो स्टेशन पर। अच्छा, मेरे सीनियर थे ना साथ में, उनके भी वो भी गए थे तो वो उनकी गाड़ी में गया था। तो अब थकान हो चुकी है बहुत ज़्यादा, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनकी आज बैक पेन हो रहा है, बैक पेन है और लेग्स में। आज इनकी तबीयत नासाज है तो ये भी आराम कर रही हैं। और इसके साथ ही इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत व्यूज आ रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी कर लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और हमें भी लगेगा कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है, मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक भी करें, व्यू करेंगे लाइक करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब करिए, और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, कल फिर नए ब्लॉग में आपसे भेंट होगी। भेंट नहीं होगी, भेंट होगी, भेंट और भेंट में फर्क है। चलो ठीक है, फिर आप बता देना क्या है भेंट। नए ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए करते हैं गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट, जय राम राम। Thank you.